भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान आरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेल सेवा घंटों बाधित किया, जिससे रेल यात्री काफी ही परेशान रहे। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिहार बंद मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में हुआ है और मुजफ्फरपुर का यह कांड साथ में जो आरा के रिमांड होम में भी जो कांड हुआ यह काफी ही शर्मनाक है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अभी यहाँ पर एक छोटी सी सभा होगी, हम चाहेंगे राव कुमार लगातार इन सब रोजगार की घटना घट रही है और सरकार मान और चुप्पी साधी हुई है। बलात्कारियों के लगातार सरकार पक्ष में खड़ी है, जो सत्ता है लगातार बलात्कारियों के बजाने के पक्ष में है। आप सोचिए जहाँ बाल गृह है, बाल गृह में पूरे देख रहे सरकार की पार्टी है, उस बाल गृह में बच्चा सुरक्षित नहीं है, कॉलेज कैंपस में बच्चा सुरक्षित नहीं है। एसयू सीआईएम सीपीआई तमाम वाम दलों ने मुजफ्फरपुर रिमांड होम बलात्कार कांड के खिलाफ में आज बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसका समर्थन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हम पार्टी दलों के इस बंद में हम वाम दलों की ओर से उन तमाम साथियों का धन्यवाद कहना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं। साथियों, हमारी जो मांग है वो पूरे बिहार में गूंज रही है। हम लोगों ने जिस दिन पावसकालीन सत्र शुरू हुआ बिहार विधानसभा का, उसी दिन पोस्टर बना करके मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए प्रदर्शन किया हाई कोर्ट के जज की निगरानी में, लेकिन नीतीश कुमार जी कान में तेल डाल करके पड़े रहे। हमारे विधायकों ने, विपक्षी दलों के विधायकों ने 23 जुलाई को बिहार विधानसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया, अध्यक्ष जी को दिया कि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। अगर बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, खास करके सरकार जिन होम गृहों को चला रही है, तो क्या होगा इस बिहार का। लेकिन विधानसभा में हमारे राज्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया, हम लोग लड़ते रहे, पूरे विधानसभा को ठप करके रखा, नहीं चला विधानसभा। सरकार और सदन के अंदर जो हम लोगों ने इस सवाल पर लड़ाई लड़ी और उसमें भारी जीत हुई है, बिहार के तमाम न्याय पसंद लोगों को, अकलियत पसंद लोगों को, गरीब पसंद लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस बिहार बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए। लेकिन नीतीश जी के सामने अभी भी इस बलात्कार कांड से संबंधित कई सवाल है। देश की रिपोर्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। हर ढंग से सफल रहा वाम दलों के इस
बिहार बंद के आह्वान को आरजेडी, समाजवादी पार्टी, हम और लोकतांत्रिक जनता दल तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया था, सक्रिय समर्थन। ये झंडे इस बात के गवाह हैं और सब लोगों ने बिहार बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार की जनता ने बिहार को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया। इससे नीतीश जी को, मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि जो आप ढकोसला कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, जो आप यहाँ महिला सशक्तिकरण का ढकोसला कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। और जो हमारी मांगे हैं कि सीबीआई निगरानी, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, इसको मानिए और तत्काल मंजू वर्मा, सुरेश शर्मा को बर्खास्त कीजिए, मंजू वर्मा के पति को गिरफ्तार करवाइए और हाई ये कहा जाए कि फास्ट ट्रैक बना करके उसमें इनका मुकदमा चले और इनको कठोर से कठोर जल्द से जल्द सजा दिया जाए। क्या लगता है जो आज बिहार बंदी हुआ सक्सेसफुल हुआ आपका? बिल्कुल शानदार, 1000% सफल है बिहार बंद। क्या बिहार सरकार से मांग क्या करते अपना? तो मांग तो हमने रखा, मांग पूरा नहीं होता तो आगे की नीति करेंगे हम लोग, पूरा बिहार का अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे, ठीक ना? ट्रेन को अनिश्चितकालीन रोकेंगे अभी। हाँ जी अभी कहे, हमने अभी तो दिया, टाइम देना होगा सरकार को ना। आप लोग तो गाड़ियों का संरक्षण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नंबर पर बात कर करके खिलाफ पूरा बिहार बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। नीतीश आपका फाड़ के देखा, पूरा बिहार बंद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचारियों को सत्ता संरक्षण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कल्पवास में जो 34 बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग आज बिहार बंद किए हुए थे। इसमें हम लोग का मुख्य मांग था कि जो भी बलात्कारी है वो तमाम को सीबीआई के तहत जांच कराया जाए और तमाम बलात्कारियों को सजा देने का सरकार का। इस बंदी में कौन कौन समर्थक कर रहा था? तमाम विपक्षी पार्टी हम लोग को समर्थन दिए है और इस बलात्कार वाले मुद्दे पर तमाम पार्टियों का समर्थन था। क्या लगता है बंदी आपका सक्सेसफुल था? हमको तो लगता है कि बंदी सक्सेसफुल था और सरकार को थोड़ा सा भी शर्म है, इस बंदी से वो तमाम बलात्कारियों को सजा देने का काम करेगी। क्या जो आपने आज बंदी किया है, क्या बंदी सरकार आप मांग नहीं पूरा करती है, टांगे की नीति क्या रहेगी? अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगी तो आज हमने बिहार बंद किया है तो आने वाले दिन में हम लोग नीतीश कुमार के सरकार को चलने भी नहीं देंगे इस मुद्दे पर। ठीक है, नाम बता दो। शीला कुमारी, भक्कमाले जिला कमेटी।